भगवान टाकिस चौराहे से लेकर दयालबाग मार्ग तक कहीं कतारों में तो कहीं झुंड में खड़े हजारों युवाओं की आंखों में आंसू हैं, हाथों में तिरंगा, जुबान पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा है। भगवान टाकिस से दयालबाग का करीब 1 किलोमीटर का मार्ग भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा पृथ्वी तेरा नाम रहेगा के नारों के साथ गूंज रहा है। जिले के दूर दराज ग्रामीण इलाकों से लेकर आसपास के जिलों तक के लोग पृथ्वी सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। एयरफोर्स स्टेशन आगरा पर पार्थिव शरीर को केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, डीएम पीएन सिंह और एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के एयरफोर्स के वरिष्ठ अफसरों ने शहीद पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद एयरफोर्स के फूलों से सजे वाहन में पार्थिव शरीर को रखकर न्यू आगरा स्थित सरन नगर में पृथ्वी सिंह के आवास पर लाया गया। एयरफोर्स स्टेशन के गेट के बाहर भी लोगों का हुजूम था। खेरिया मोड़ पर भी लोग इंतजार कर रहे थे। वाहन के गुजरने पर आगरा की गली गली से पृथ्वी सिंह अमर रहे के नारे सुनाई दे रहे थे। इधर न्यू आगरा में शहीद कैप्टन विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के घर पर भी सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सैकड़ों युवा जो पृथ्वी सिंह से कभी मिले नहीं हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले उनका नाम भी नहीं सुना था, वो सभी सरन नगर पृथ्वी सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। पार्थिव शरीर के सरन नगर पहुंचते ही नारों और जय जयकार के साथ आगरा वासियों ने अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।